तिलक हो चुका है। अब मैं मेरे दोस्त के साथ पूछते हैं इसको कैसे लग रहा है तिलक होने के बाद। तो दोस्त मेरा कैसे लग रहा है, थोड़ा मेरे फ्रेंड्स को बताओ। थोड़ा नर्वस था लेकिन सब ठीक हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत, आप लोगों का स्वागत है नए एक और ब्लॉग में। तो आज आ गया हूं मैं, मेरे शादी का आज आशीर्वादी है तो उनका आशीर्वादी से अटेंड करने के लिए और कुछ शानदार मुहूर्त कैप्चर करने के लिए। और आपको दिखाऊंगा जो बंगालिक में जो बंगाली को जो शादी होता है किस तरह का शादी और आशीर्वादी होता है। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मैं घर में घुस गया हूँ, मेरे फ्रेंड्स के घर में। फ्रेंड्स का भैया है चचेरा भाई। तो अब मेरे जो फ्रेंड्स है उनके साथ भी भेंट कर लेते हैं, देखते हैं। चलिए तो आगे फिर। हेलो फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स का घर में घुस आ गया है, ये उनका आशीर्वादी होने वाला है आज। और ये अंकल जी है, उनका पापा है। तो अब आशीर्वादी का जो प्रोग्राम है वो पूरा कैप्चर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स का जो घर का छत है, ठीक है, छत पे आ गया हूँ। खाना पीना पूरा रेडी हो रहा है, ये देखिए इधर ही हो रहा है, पकौड़ा हो रहा है, इधर वेजिटेबल पकड़ा, उधर मीट पक रहा है, मीट पक रहा है, चलता है। चलिए आशीर्वादी होता है, अभी होगा, अब उनको हम दिखाएंगे। इधर सबको है, अभी कुछ मिनटों बाद होने वाला है, थोड़ा बहुत प्रोग्राम आ गया हमने और होने वाला है, अभी तैयारी हो रहा है घर में। तो फिलहाल मैं चलते हैं मंदिर, तुलसी मंदिर के पास, जो कि वहीं होने वाला है आशीर्वादी। तो चलिए आशीर्वादी का जो मुहूर्त है वो थोड़ा बहुत कैप्चर करते हैं। मेरा दोस्त आ चुका है, मेरा फ्रेंड्स का तिलक हो रहा है, आशीर्वाद भी हो रहा है। दोस्त के साथ पूछते हैं इसको कैसे लग रहा है तिलक होने के बाद। दोस्त मेरा कैसे लग रहा है, थोड़ा मेरे फ्रेंड्स को बताओ। थोड़ा नर्वस था लेकिन सब ठीक हो गया। थोड़ा नर्वस था, वो शादी में सबको थोड़ा बहुत होता है, कोई बात नहीं है, जब शादी होगा तब तो और भी नर्वस हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो मेरे पे जो मेरा वीडियो देख रहा है उनको क्या कहना चाहिए, शादी करना चाहिए या नहीं चाहिए? करिए, ठीक है, करिए, शादी करना चाहिए, कोई मन नहीं है। तो चलो अभी नीचे बुला रहा है, फोटो खिंचाएंगे, फोटो उठाने के लिए, मतलब फोटो खींचेगा नीचे। तो चलो आगे फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं घर से थोड़ा बाहर आ चुका हूँ दोस्त से मिलके, थोड़ा नर्वस था तो मैं बाहर आ गया हूँ और मंदिर के पास आ चुका हूँ। तो मंदिर के पास जो लड़की साइड से आया है, 5 बोलेरो है और एक कार है, तो बहुत सारा आदमी आया था और बहुत अच्छे आदमी है वो लोग। तो देखिए ये 5 बोलेरो है और ये मंदिर के पास सब खड़ा है। अब खाना पीना चल रहा है उधर, थोड़ा तो मैं भी खा लूँगा क्योंकि मुझे भी थोड़ा भूख लग गया है। तो चलिए खाने के बाद थोड़ा बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे जो मंदिर है, ये जगन्नाथ मंदिर है,
ठीक मंदिर का सामने साइड ये ब्लोरो खड़ा हुआ है तो अच्छा लगा यहाँ फोटो खींच के और वीडियो भी करते हुए, क्योंकि मेरा दोस्त नहीं आया था तो मैं अकेले ही सब कुछ किया। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है। तो चलो थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ होने के बाद अभी तो मैं फ्री हूँ। तो ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।